हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर एसिड बेस कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पहले जो आता है एलिमेंट, क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ही होते हैं ना मेटल और नॉन मेटल। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं एलिमेंट्स? जिस चीज के एटम्स मिलते हैं। एलिमेंट्स या तो मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज के आधार पे मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, प्रॉपर्टीज के आधार पे। कुछ याद करो क्या क्या मेटल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी मेटल जिससे हम लोग फेमिलियर हो, आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ देखो आयरन मिल जाता है, घर में भी होता है यूज, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सबसे चीप भी आज के डेट में आयरन ही मेटल है। आयरन के बाद सबसे कॉमन मेटल क्या है? अल्मोनियम। अल्मोनियम यूटेंसिल्स भी बनती हैं, अल्मोनियम के केबल्स भी बनते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पता है ना। और क्या? कॉपर। जनरली घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग में वायर्स यूज होते हैं उसमें कॉपर वायर होते हैं। और क्या? गोल्ड। गोल्ड तो सबसे कॉमन मेटल है ही। और कौन सा मेटल कॉमन है? सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों हम लोग को लगते हैं ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में। सभी के मम्मी के पास होगा, तुम्हारे पास भी हो सकता है हो। इसके बाद क्या है? लेड। लेड सुना है मेटल? लेड एक मेटल होता है लेड, जिसका नाम सुना है? पेंसिल में जो लेड रहता है उस लेड की बात नहीं कर रहे हम लोग। ये लेड होता है बैटरी में यूज होता है, वो जो इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है बड़ी सी रिचार्जेबल बैटरी, या ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी लगती है ट्रक में, कार में, बाइक में, उस बैटरी में लेड होता है। लेड एक मेटल है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ सुना है? प्लैनेट है मर्क्यूरी तो नहीं, हम लोग मेटल मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं। थर्मोमीटर, जो बल्ब वाला थर्मोमीटर होता है, डिजिटल थर्मोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थर्मोमीटर पुराने जमाने का था, जिसको घुमा घुमा कर ऐसे टेम्परेचर चेक करना होता था। उसमें नीचे में एक शाइनिंग मेटल रहता है, उस वो मर्क्यूरी होता है। और कोई मेटल? पिछले चैप्टर में हम लोग सोडियम से मिले थे। कैल्शियम पिछले चैप्टर में मिला था। कैल्शियम मेडिसिन में बहुत बार बोलते हैं खाने के लिए कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम खाना होगा। एक नॉन मेटल, एक मेटल कैल्शियम भी है। तो मैं सारे नाम्स क्यों बता रहा हूँ मेटल्स के? चलो पहले नॉन मेटल्स के नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। नॉन मेटल्स सोचो, कौन से नॉन मेटल के बारे में पता है? कौन सा नाम याद है? पिछले चैप्टर में क्लोरीन मिला था, हीलियम पहले कभी सुना होगा, कार्बन। और कोई नॉन मेटल सोचो। नहीं पता है ना, नॉन मेटल्स के ज्यादा नाम नहीं पता है। ब्रोमीन नाम सुना है? आयोडीन। ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, पर जनरली इतने आराम से मिलते भी नहीं हैं, घर में नहीं रहते हैं ये सब चीज, लैब में ही मिलते हैं। और नेचर में नॉन मेटल होते भी कम है, इसलिए ज्यादा नहीं पता है। तो मैं लिस्ट इसलिए कर रहा था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग बात इसलिए कर रहे थे कि हम लोग चेक करें प्रॉपर्टीज किसकी क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। यहाँ पे दिख रहा है क्लोरीन और हीलियम तो गैस है, कार्बन गैस नहीं है। मेटल्स की हमने बात की थी, वहां पे तो एक भी गैस नहीं था। जितने भी मेटल्स की हमने बात की थी अभी, इसमें गैस तो कोई नहीं था, सभी सॉलिड थे। एक मर्क्यूरी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी सॉलिड्स थे, है ना। तो एक प्रॉपर्टी तो दिख गया कि मेटल सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी सोचो। सबसे पहले तो दिख गया मेटल सॉलिड होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी सोच सकते हैं?
मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग जिसकी भी बात किए थे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, अल्मीनियम, कॉपर, सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और क्या, मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, सभी चीज, सारे मेटल्स गर्म हो जाएंगे, जैसे ही गर्म करेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छे से गर्म हो जाएंगे, है ना? रफली ये सब सोच पा रहे हो, मेटल कुछ इस तरह का होगा, नॉन मेटल कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा सा पिक्चर बन रहा है, रफ पिक्चर नहीं बन रहा है। कम से कम इतना तो क्लियर हुआ कि मेटल सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, डिटेल में स्टार्ट करेंगे अब हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हमें। सबसे पहले है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, अगर वो प्योर होंगे तो दे हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। से ये देखो चमक रहा है, जो भी मेटल हो चमक रहा है। घर में आयरन लेंड, आयरन नेल, कांटी, सभी के घर में देखा होगा, जंग लगने के बाद तो खराब हो जाती है, लेकिन जब नहीं होती है तो थोड़ी चमकीली रहती है। गोल्ड सिल्वर तो चमकते ही हैं, उसकी तो बात ही नहीं करना है। कॉप अल्मोनियम भी चमकता है, और कोई मेटल सोचो। मर्कुरी जो उसके अंदर रहता है, थर्मामीटर के अंदर, वह भी चमकता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी चमकते हैं, दे हैव ए मेटेलिक लस्टर, इसीलिए इसका नाम ही लग गया। इस तरह का शाइनिंग जो भी चीज़ रहता है उसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, चमकने वाली चीज़ें। ठीक है, मेटेलिक लस्टर का मतलब क्लियर है, मेटल है तो मेटेलिक लस्टर होगा, चमकेगा। कोई भी चीज जो मेटल की होगी चमकेगी। दूसरा, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब जाहिर सी बात है, आयरन जितना हार्ड अल्मीनियम तो नहीं होता है, अल्मीनियम से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा लेड, और कोई दूसरा मेटल लेंगे तो उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बट जनरली हार्ड होते हैं सभी मेटल। लिस्ट में जो भी हमने सोचा था, कोई भी मेटल ऐसा था जो हार्ड नहीं था? हाँ, एक दो होते हैं, लेकिन अभी तक नहीं पता है हमें। जो भी मेटल्स हमें पता है सारे हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, चोट लग जाएगी, लोहे से मारो किसी को चोट लगेगी बहुत अच्छे से। नॉन मेटल्स जो हम लोग देखे थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ये सब हार्ड तो नहीं होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी नाम याद है ना, पहले पढ़ा होगा, इसको समझ लो ठीक से। मैलिएबिलिटी मेटल से ही आया है, मैलिएबिलिटी मतलब क्या है, उसको पीट करके पतली पतली शीट्स में बंद कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह से मेटल कुछ इस तरह का हो, उसको पीट पीट करके, पीट पीट करके, पीट पीट करके एकदम थिन लेयर उसका बना सकते हैं हम लोग। वुड के साथ ये संभव है क्या? प्लास्टिक के साथ ये पॉसिबल है? कार्बन के साथ पॉसिबल है? नहीं है ना। मेटल्स के साथ पॉसिबल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, कोई दूसरा मेटल में भी ले लो, अल्मीनियम हो, कॉपर हो, सभी मेटल्स के साथ ही हो सकता है। उसको एकदम पतला सा प्लेट टाइप का बनाया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को बनाया जा सकता है। मेलेबिलिटी क्या होता है, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं है, लोहे की बाल्टी देखे होंगे, बकेट, वुड से बना सकते हैं क्या वैसे हम लोग? नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स पतले पतले वायर में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। कॉपर है तो कॉपर को गोल वायर्स से बहुत लंबा सा वायर बना सकते हैं, थोड़े से मेटल से ही बहुत लंबा वायर बना सकते हैं हम लोग, खींच खींच करके, खींच खींच करके। मेटल को अगर खींचते जाओगे तो वो लंबा होते जाएगा, टूटेगा नहीं, वो खींचते जाओ वो लंबा होते जाएगा। रबर की तरह, रबर फिर भी टूट जाएगा,
रबर डक्टाइल नहीं होता है, मेटल डक्टाइल होता है, उसको जितना खींचोगे उतना खींचा जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू'ड बी सरप्राइज टू नो 2 किलोमीटर लंबा गोल्ड का वायर अगर बना सकते हैं हम लोग सिर्फ 1 ग्राम सोने से, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर। 2 किलोमीटर कितना लंबा होता है समझ रहे हो? सिर्फ 1 ग्राम से, मतलब सोच लो कितना पतला वायर होगा, हो सकता है बाल से भी पतला हो जाए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, है ना। सभी के साथ होता है ये, आयरन का भी वायर बन सकता है, कॉपर का भी बनता ही है, अल्मीनियम का बनता है, चाहे जो भी मेटल ले लो उसका वायर हम लोग बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा गोल्ड के साथ ये एप्लीकेबल होता है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसा जरूरत हो वैसा मेटल को बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो गया तो खत्म करना होगा, है ना। लोहार को देखा होगा, मेटल लोहे से कुछ भी बना देता है। ज्वेलर को देखा होगा, गोल्ड या सिल्वर से कुछ भी बना देता है, जैसा चाहे वैसा शेप बना देता है। तो ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण पॉसिबल है। एक मान लो इस तरह का कॉपर का पीस इस तरह का है हमारे पास, इससे चाहे जैसी शेप बना सकते हैं हम लोग। नॉन मेटल्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है। मेटल्स थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो गया ना, लिक्विड टाइप का बिहेवियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। पिघलता नहीं है मेटल, चाहे कुछ भी कर लो पिघलता नहीं है वो। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लेड, कैल्शियम, कोई भी ले लो मेटल, जनरली पिघलते नहीं है ये। और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मतलब एक एक कॉर्नर पे अगर आयरन रॉड को गर्म करेंगे, इस कॉर्नर पे मान लो मोमबत्ती लगा दी तो यहाँ तक गर्म हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ से यहाँ तक आराम से आ जाएगा। वहीं अगर लकड़ी के रॉड हो, लकड़ी का डंडा हो, लाठी हो, तो इधर से गर्म करो इधर गर्म नहीं होता है, लेकिन अगर लोहे का डंडा होगा तो गर्म हो जाएगा, यहाँ गर्म करेंगे यहाँ भी गर्म हो जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर एंड कॉपर, सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, दूसरे पे कॉपर आता है। लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर तो ये भी हैं, लेकिन और सबसे कम है। ये एक एग्जाम्पल देख लो कैसे कंडक्टर ऑफ हीट है। यहाँ पे अगर हम लोग पैन को गर्म करते हैं तो यह भी गर्म हो जाता है, अगर यही लकड़ी का हैंडल लगा रहता तो क्या गर्म होता है, या प्लास्टिक का हैंडल रहता तो नहीं होता। मेटल का रहेगा तो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, प्लास्टिक या और कोई चीज़ गर्म नहीं होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक उसी तरह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगी। अब हम बात ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जब भी होते हैं मेटल के ही बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, अल्मीनियम के बनते हैं, गोल्ड और सिल्वर के तो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे इसलिए नहीं बनाते हम लोग। इसके लिए एक एक्टिविटी बुक में दी हुई थी, अगर इस तरह का एक सेटअप बनाते हैं, एक बैटरी लेते हैं, बैटरी से एक वायर लिया, यहाँ पे एक क्लिप लगा दें, और बैटरी से दूसरे तरफ से वायर लिया, बीच में एक बल्ब लगा दिया, स्विच तो देना ही होगा, और यहाँ पे भी क्लिप लगा दी। ए और बी जो दो क्लिप्स हैं, इस क्लिप के बीच में किसी मेटल को यदि फंसाते हैं हम लोग, यदि वो कंडक्टर होगा तो बल्ब जलेगा, कंडक्टर नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कौन कंडक्टर ऑफ हीट है कौन नहीं है, है ना। ए और बी जो दो क्लिप्स हैं, दोनों के बीच में कुछ भी फंसा देते हैं सैंपल, पता नहीं है वो क्या है, कंडक्टर है या नहीं, या नहीं पता है, फंसा दो, यदि बल्ब जल गया कंडक्टर ऑफ हीट, बल्ब नहीं जला नॉट ए कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स को सारे को इस तरह से जब चेक करते हैं तो वो लोग कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। घर में भी देखा ही हमने, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है, पीवीसी कोटिंग होती है। क्यों कोटिंग किया जाता है ऐसे? क्योंकि अंदर का जो मेटल वायर है वो तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें अगर टच हो जाएंगे तो करंट लगेगा, इसलिए उसको एक कोट के अंदर रखा जाता है ताकि दूसरे को करंट ना लगे। देखा है ना वायर,
ऊपर में प्लास्टिक का एक कोटिंग रहता है और अंदर में वायर रहता है, कॉपर का जनरली रहता है। बाहर की कोटिंग जो होती है वो पीवीसी कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और लास्ट में आता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेटल की साउंड भी अलग होती है। हमने बात किया मेटल क्लस्टर होता है, एक मेटालिक साउंड होता है घंटी की तरह का साउंड, टन बजेगा, लोहा गिरता है तो पता चल जाता है ना ये लोहे की आवाज है। वही प्लास्टिक की बॉटल गिरती है या लकड़ी का कुछ गिर जाता है या ग्लास का कुछ गिर जाता है या कुछ और गिरता है तो उसकी आवाज अलग होती है। मेटल का कुछ गिरता है तो उसकी आवाज अलग होती है, टन झन जैसी आवाज होती है। इसको बोलते हैं सोनोरस, उस आवाज को बोलते हैं सोनोरस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग देखें मेटल के? सबसे पहले मेटल क्लस्टर होता है, चमकते हैं मेटल्स, है ना, देख के बता सकते हैं कि चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। हार्ड होते हैं मेटल, हार्ड ही होते हैं, लोहा कितना हार्ड होता है। मैलिएबल होते हैं, उसको पतली सी सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ठोक ठोक करके। डक्टाइल होता है, खींच करके लंबा वायर बनाया जा सकता है उसको। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, एक कोने पे गर्म करो तो सभी जगह गर्मी पहुंच जाती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी पिघलेगा नहीं, गर्म करते रहो नहीं पिघलेगा। वहीं अगर हीलियम के क्लोरीन की बात करें तो पहले से ही गैस रहता है, मेल्ट हो चुका होता है पहले ही वो। ऑक्सीजन की बात करें वो पहले से ही मेल्ट हुआ रहता है, करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं वो। सोनोरस, उनका साउंड भी एक अलग सा पता चलता है, मेटल का साउंड है ये। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको दिमाग में रखने की कोशिश करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।